हाय फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जानकारी लेंगे जो आपको बहुत ही मतलब उस वेबसाइट के बारे में आपको मालूम भी रहेगा और वो आप रोज यूज भी करते रहेंगे या उस वेबसाइट का एप्लीकेशन भी आप यूज करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आप मैं उसका नाम बता देता हूँ कि फेसबुक। आप फेसबुक की वेबसाइट पे बहुत बहुत मतलब बहुत पॉपुलर है। आपको अगर मालूम नहीं रहेगा कि फेसबुक है क्या, तो आज इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दे दूंगा कि फेसबुक क्या है और इसको कैसे यूज किया जाए तो अपनी लाइफ में बहुत उसका वैल्यू हो सकता है, मतलब बहुत यूजफुल आ सकती है। इसके लिए हम फेसबुक के बारे में और जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम फेसबुक के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल क्रोमा की ओर। सबसे पहले गूगल क्रोमा ओपन करेंगे। गूगल क्रोमा ओपन करने के बाद सर्च में सर्च मारेंगे फेसबुक। फेसबुक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब बहुत ही आजकल के बहुत छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग लोगों तक बहुत पॉपुलर है, बहुत यूज किया जाता है। और ये अपने मतलब पर्सनल टाइम पास के लिए भी बहुत यूजफुल है या बिजनेस के लिए भी बहुत यूजफुल है, मतलब दोनों के लिए इतना यूजफुल है ये एप्लीकेशन। तो इसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी ले लेंगे। तो सबसे पहले हम सर्च मारेंगे फेसबुक। फेसबुक सर्च मारेंगे और इंटर। फेसबुक मतलब ये आप अगर आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत ही आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप पर्सनल यूज के लिए यूज करना चाहते तो भी आप इसमें बहुत यूज कर सकते हो या उसका बहुत फायदा ले सकते हो। तो फेसबुक का एक ऐसा यूज है, मतलब आप आपके फ्रेंड सर्कल्स जो अगर बड़े होते हैं तो हर एक फ्रेंड अपने से दूर हो जाता है, मतलब जॉब के लिए हो या किसी की शादी हो गई तो वो दूर दूर चले जाते हैं अपनी फैमिली बनाने के लिए। तो तभी हमें उनसे जुड़े रहने के लिए कुछ एप्लीकेशंस बनाए गए हैं। तो फेसबुक ऐसा एप्लीकेशन से ऐसी वेबसाइट है जो आपको फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड सर्कल्स को वो बनाए रखता है कायम और रेगुलरली, वो अपने को उसमें क्लोज रहता है। तो सबसे अच्छा तो फायदा है ये कि ये फ्रेंड्स के लिए फ्रेंड्स को जुड़े रहने के लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर आप इसमें जॉब करना चाहते या बिजनेस करना चाहते तो उसमें भी आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो वेबसाइट सर्च हो गई है। तो वेबसाइट के बारे में हम जानते हैं, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है ये फेसबुक लॉगिन और साइन अप, और उसके नीचे ही दिया गया है उसका वेबसाइट। तो ये इसका पूरा इधर देख सकते हैं, ये इस वेबसाइट का ही पूरा इंफॉर्मेशन है। इसमें लॉगिन दिया है, लॉगिन इधर भी लॉगिन है, इधर फेसबुक टच, फेसबुक लॉगिन, फेसबुक इनटू लॉगिन, फेसबुक कैरेट नेव अकाउंट्स, मतलब आपका अगर पहले से अकाउंट रहेगा तो वो लॉगिन कैसे करना, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको इसमें कैसे अकाउंट कैरेट करना है, कैसा रजिस्टर करना है और अकाउंट बनाना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी दे दूंगा। और कैसे फेसबुक यूज करने से आपको वो हेल्पफुल मतलब बहुत ही यू
यूजफुल हो सकता है, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो में जानकारी दे दूंगा। तो वीडियो पूरी देख लीजिए। सबसे पहले फेसबुक के बारे में जानते हैं। ये एक सोशल नेटवर्क कंपनी है, मतलब ये एक सोशल नेटवर्क। आजकल के दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट बनाई गई है, एप्लीकेशन बनाई गई है जो सोशल नेटवर्क से जुड़ी हुई है। तो फेसबुक भी एक ऐसी वेबसाइट है जो सोशल नेटवर्क से जुड़ी हुई है। इसमें हर छोटे से बड़े बुजुर्ग तक लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इसके बारे में और जानते हैं। इसके नीचे facebook.com ये उसकी वेबसाइट है। ये वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है। ये एक फेसबुक फेसबुक इज एन अमेरिकन ऑनलाइन सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्क सर्विस कंपनी बेस्ड इन मेनलो पार्क कैलिफोर्निया। मतलब इसका पूरा पढ़ना है तो इधर क्लिक करके उसका पूरा बायोडाटा, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो जो विकिपीडिया में दिया गया है। ये इधर फेसबुक का पूरा ऐसे ये इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। ये और ये फेसबुक का अगर और इंफॉर्मेशन लेना चाहते तो इधर पूरा टाइप एंड बिजनेस, ये पब्लिक सेक्टर में जाता है, मतलब लोगों के लिए बनाई गई ये वेबसाइट है। इसमें लोग अपनी एक प्रोफाइल बना सकते हैं और प्रोफाइल बना के इसमें सोशल नेटवर्क का यूज ले सकते हैं। इसमें फोटोज है, सॉन्ग से, वीडियो से, या पर्सनल चैटिंग से, या कोई कंटेंट से वो इसमें लिखकर वो औरों को शेयर करके बता सकते हैं। तो और इसके नीचे ये पूरी जानकारी दी गई, ये आप पढ़ सकते हो और अच्छे से समझ के ले सकते हो। और इसमें मेन चीज है ये कब से फाउंडेड हो गया, मतलब फेब्रुआरी 4, 2004 से फाउंडेड हो गया। इसको अभी से करीबन 14 इयर्स अगोदर, मतलब 14 इयर्स उसको हो गई है। और इसका की पीपल्स मार्क जुगेबर्ग, मतलब सीईओ जो इसका मालिक है वो मार्क जुगेबर्ग है। और ये कंपनी के शेयर्स भी है, मतलब मार्केट में शेयर्स रहते हैं ना, वो टाइप के शेयर्स भी इन कंपनी के हैं। ये कंपनी का रिवेन्यू है, इधर उसका रिवेन्यू, इंटरनेट का रिवेन्यू पढ़ सकते हो। ये करीबन बिलियनर में काउंट होता है। टुडे का दिया है और नेट इनकम मंथ का दिया है, साल का दिया है, पूरा दिया है। टुडे का कुछ टुडे इक्विटी, टुडे एसेट, नेट इनकम, पूरा बिलियन में ये कमाते हैं। तो इसके बारे में हम चलते हैं उसके वेबसाइट की ओर। ये इधर आ गया मार्क जुगेबर्ग, ये इसका फाउंडर, मतलब सीईओ है, मालिक है। उसके पार्टनरशिप डस्टिन मैकोविच, ये एक दो तीन चार पांच लोग, मतलब ये उनके हैं। ये उसका चेयरमैन फाउंडेड सीईओ इधर करके मार्क जुगेबर्ग दिया है, ये इसका मालिक है इस वेबसाइट का। और ये इनको इनके मतलब नीचे वाले वर्कर्स लोग हैं, पार्टनरशिप में वाले। ये श्रेयर संदेवर्क, ये डेविड वेंकर, ये माइक सॉफ्टर, ये किर्क कॉक्स,
की प्रोडक्ट एंड प्रोसीजर मतलब कैसे कुछ है इन लोगों के, तो ये इस पेज में उनका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। ये पढ़ के अच्छे से आप इन्फॉर्म मतलब इस वेबसाइट का जो मेन प्रोफाइल है वो चेक कर सकते हो। और अभी चलते हैं इस वेबसाइट की ओर, उस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक कर दिया तो हम उस वेबसाइट के अंदर आ गए। इस वेबसाइट पे इधर देखते देख रहे होंगे आप, इधर आपका लॉगिन का पेज दिखाई दे रहा है, इधर ईमेल और फोन, मतलब आप ईमेल एड्रेस से भी लॉगिन कर सकते हो या अपना फोन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो, और इधर जो भी आपने पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। फेसबुक हेल्प यूअर कनेक्ट एंड शेयर विद द पीपल इन यूअर लाइफ, मतलब अपने हर एक फ्रेंड्स को जो भी दूर गया है या अपना फ्रेंड्स सर्कल कम है तो उसको बढ़ावा दे सकते हो, इधर फ्रेंड्स बना सकते हो और अपना लाइफ बेहतर बना सकते हो। और इधर कैरेट एंड अकाउंट इसका ये पेज दिया है, तो इधर आपको मतलब आपका अकाउंट नहीं है तो इधर आप अकाउंट बना सकते हैं, नया अकाउंट बना सकते हैं, तो इधर आपका जो भी नाम रहेगा वो लिखना है, इधर आपका सरनेम रहेगा वो लिखना है, इधर आप अगर मोबाइल नंबर देना चाहते हो, मोबाइल से ओपन करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर दे दीजिए, जो भी मोबाइल नंबर रहेगा वो दे दीजिए। अगर ईमेल एड्रेस देना चाहते हो तो जो भी ईमेल एड्रेस रहेगा वो दे दीजिएगा, मतलब इधर आप मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस दे सकते हो। इधर आपको जो याद रहेगा ऐसा पासवर्ड रखना है जो आपको हमेशा याद रहेगा, या आप उस पासवर्ड को लिख कर किधर रख सकते हो। और इधर आपकी बर्थ डेट जो भी रहेगी वो देनी है अच्छे से, और इधर आप मेल फीमेल जो भी है वो क्लिक करके इधर अकाउंट कैरेट करना है, अकाउंट बनाना है, और उसके बाद आपको अकाउंट बनाने के बाद आपको लॉगिन करना है, जो इधर लॉगिन का पेज आ रहा है मतलब ईमेल और फोन और पासवर्ड। तो इधर मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से रजिस्टर है, तो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैंने मोबाइल फोन से किया है तो मोबाइल फोन से ही लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। और इधर आपका पासवर्ड डालना है, जो भी आपने पासवर्ड लिख के रखा है, जो भी इधर रजिस्टर करते वक्त डाला है वो डालना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका अकाउंट लॉगिन होके वेबसाइट के अंदर प्रोफाइल में ओपन हो जाएगा। ये देखो अभी लॉगिन हो जाएगा और मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा, और इसमें मेरा प्रोफाइल आप लोगों को पूरा दिख जाएगा। मतलब आप इजी से स्टेप है जो नॉर्मली इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है वो आपको देना है, और आप इसमें रजिस्टर करके लॉगिन कर सकते हो। और देख सकते हो इधर मैं इस वेबसाइट के अंदर आ गया हूँ, मतलब लॉगिन करके इधर सर्च इंजन का एक ऑप्शन से इधर मेरा नाम जो मैं महेश करके वो इधर नाम है, इधर होम का ऑप्शन है, इधर फ्रेंड्स का है, इधर चैट का ऑप्शन है, इधर पीपल्स के नोटिफिकेशन का ऑप्शन से इधर और ढेर सारे और ऑप्शंस आएंगे। अभी फिलहाल तो सर्च हो रहा है, तो ऐसे कुछ विंडोज ओपन हो जाएगी। इसमें और भी आपको मैं बताऊंगा कि इसमें
कैसे यूज करना है और क्या क्या किधर कैसे फिलअप करना है और कैसे इंफॉर्मेशन देनी है। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से जानकारी दे दूंगा कि फेसबुक के अंदर क्या करने से फ्रेंड, जो भी अपने फ्रेंड्स पहचान वाले फ्रेंड्स रहेंगे उनको कैसे ज्वाइन करने का, इसमें कैसे ऐड करने का, उसके साथ कैसे चैट करने का, उसको कैसे फोटोज भेजने का, कैसे उसके साथ व्यवहार रखने का, अगर उसके साथ कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके साथ कैसे बिजनेस कर सकते हैं आप लोग, तो ये इन सब चीज़ों का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और सारी जानकारी दे दूंगा और मेरे और भी वीडियोस आ रहे हैं जो व्हाट्सएप के रिलेटेड है, व्हाट्सएप कैसे ओपन करने का और उसके बारे में और भी जानकारी आपको दे दूंगा और उसमें कैसे वर्क करने का, उसमें कैसे आप बिजनेस कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या उसमें कैसे फ्रेंड सर्कल्स को कैसे अपने ग्रुप बना के उनको अपने साथ हर दिन हर पल जोड़ के रख सकते हो, तो इसके बारे में व्हाट्सएप के बारे में व्हाट्सएप कैसे यूज करते हैं इसका वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ और वो जल्द ही आ रहा है। तो आप उसका इंतजार भी कीजिएगा, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में खाली इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।